स्म्यूल मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, आई थिंक यू नो कल जायन मलिक ने एक बहुत सही बात कही कि उन्हें लगता है कि ग्रैमीज फेयर नहीं है क्योंकि वहाँ पर उन्हें ग्रैमी मिलने में काफ़ी मुश्किलात होती है। और मैंने कल ही मेरे शो पे भी बोला था, ट्वीट भी किया था कि जायन मलिक आई थिंक यू शुड कम टू मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, क्योंकि अकेला ऐसा अवार्ड है जो म्यूज़िक फ्रटर्निटी के लिए बनाया गया है और म्यूज़िक फ्रटर्निटी आती है, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो यशराज मुखाटे हो, हर तरह का नाम यहाँ पर आता है और बहुत इज्जत है इस अवार्ड्स की। एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड की क्योंकि अभी मेरी वापसी हुई है मिर्ची पर, मेरा शो शुरू हुआ है, तो व्हेन दे सेड दैट आई हैव टू डू अ सेगमेंट विद देम आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। एंड मेरा मेन एम था, मुझे सोनू निगम और सोनू सूद दोनों से मिलना था, एक से हो गया, कल दूसरे के साथ हो जाएगा। ओके, इसी के साथ में जिस तरीके से आपने बताया बिग बॉस में भी आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे देखते हैं उन दिनों को? जब मुझे अभी जावेद अली और सोनू सूद बोल रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने बिग बॉस में कुछ ज़्यादा तो किया नहीं। उन्होंने बोला नहीं, वही चीज़ होती है जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आपने ज़्यादा नहीं किया तो क्या चांटा मार दो आप किसी को, आप किसी के मुंह पे थूक दो, नहीं, यू कांट डू दैट। आई एम फ्रॉम अ वेरी क्लासी बैकग्राउंड, रेडियो दिस इंटरनेशनल रेडियो, एंड आई थिंक मैं वो जो था मैं वही था शो पर। और व्हेन पीपल लाइक जावेद अली, सोनू सूद, जो जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, अगर वो देख कर आ रहे हैं बिग बॉस एंड दे आर टेलिंग मी दैट आई वॉज गुड, तो कुछ तो अच्छा किया होगा। थैंक यू।